Dear students of second year chemistry, welcome to your lecture 9 of pulping process. The pulping process that mostly used worldwide and in Pakistan is NSSC process, neutral sulfide semi-chemical process. There is a little introduction about the process in the description. This process actually used sodium sulfite as a cooking agent or as a cooking liquor. Iska concentrated solution banaya jata hai to digest the raw materials in which cellulose or natural fibers. Natural fibers jo hai रॉ मटीरियल में जो कि आमतौर पर नॉन वुडी रॉ मटीरियल्स होते हैं, वीट स्ट्रा, राइस स्ट्रा जो है, उसके अलावा जो है बगास, कॉटन, लिंटर एंड रेजेस, इनको पहले जो है इनमें जो नेचुरल फाइबर सेलुलोज का है उसको एक अपनी नेचुरल पैकिंग से तोड़ना है, अलग करना है. सेलुलोज को ग्लूकोज में तब्दील नहीं करना बल्कि सेलुलोज की नेचुरल जो नेटवर्किंग है, इंटरवीविंग है, उसको ख़त्म करना है. तो उसको ख़त्म करने के लिए सोडियम सल्फाइड को एज ए कुकिंग एजेंट या डाइजेस्टिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है डाइजेस्टर में. ये डाइजेस्टर क्या है? ये पल्पिंग प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाला एक यूनिट है. तो इस सारे अमल के दौरान चूँकि सोडियम सल्फाइड जो है इसमें जो सल्फाइड होता है ना, ये एक क्या होती है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होती है. तो ये क्या कर सकती है, ये पानी में जाके जो है ना वो हाइड्रोलाइज कर सकती है और फिर एसिड पैदा करती है. तो इसलिए जो है यानी कि ये जो है ना वो ये ऑर्गेनिक एसिड यानी होगा तो उसको बफर्ड करने के लिए एसिड पैदा हो सकता है और होता भी है. ऑर्गेनिक एसिड भी बनता है क्योंकि फाइबर्स की ऑक्सीडेशन हो जाती है तो उसमें जो पाए जाने कंपाउंड है ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं. तो फिर वहां पे सोडियम सल्फाइड की एक्टिविटी जो है ना वो रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है. तो सोडियम सल्फाइड की एक्टिविटी को मेंटेन रखने के लिए इट इज बफर्ड विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा कह देते होते हैं. सोडियम कार्बोनेट को जो है वो हम वॉशिंग सोडा के नाम से पुकारते हैं. तो वगैरह तो बहरहाल जी जो है पाकिस्तान में जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस और जो है वो बैच प्रोसेस दोनों से काम चलाया जाता है. तो पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है ना वो बैच प्रोसेस जो है उसके ज़रिए से पल्प तैयार किया जाता है. तो बेटा जी अब चलते हैं स्टेप्स. प्रोसेस जो है पहला स्टेप जो है वो कटिंग ऑफ रॉ मटीरियल. रॉ मटीरियल मैंने बता दिया कि एनएससी में नॉन वुडी होगा. तो अगर वीट स्ट्रा जो हमारे पाकिस्तान में पहले जब गंदम निकालते हैं ना तो बारीक बारीक तूड़ी बन जाती है जिसे भूसा कहते हैं, तो वो पहले प्री कट फॉर्म में आता है. लेकिन अगर वो ज़्यादा बड़े पीसेज हैं तो उसको कट करना पड़ेगा. तो लेकिन जो है राइस स्ट्रा हो गया, बगास हो गया, काटन लिंटर, इनको तो कट करना पड़ेगा. तो इसलिए पहला स्टेप जो है वो नॉन वुडी मटेरियल काम इन द प्री कट स्टेट और प्रोसेस एज सच. उनको अगर प्री कट स्टेट में आ रहा है तो ऐसे इस्तेमाल कर लिया जाएगा. बट इन केस ऑफ वुडी बेस्ड रॉ मटीरियल्स, बिग लॉग्स, बड़े बड़े लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं और कट इनटू स्मॉल चिप्स, उनके चिप्स, लेज वाले चिप्स नहीं होते, उस तरह के उनके चिप्स बना लिए जाते हैं बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग. ड्राई क्लीनिंग फिर की जाती है. ड्राई क्लीनिंग में हवा के जरिए से वो वहाँ पे ना एक कमरे में बंद करके ना मटीरियल को उसमें हवा चला दी जाती है. एक तरफ से कमरे में हवा दाखिल की जाती है और दूसरी तरफ जो है वो एक जाली में से निकाली जाती है. हम अपने अदारे का जो है वो टूर भी लेके गए थे इधर मियाँ चन्नू के पास जो है वो क्या करते हैं वहाँ पे ना पल्प और ब्राउन पेपर बनाते हैं जो पैकिंग वगैरह मटेरियल में इस्तेमाल होता है. तो खैर जो है बिग कट इन टू स्मॉल बिफोर ड्राई क्लीनिंग जो है वीट स्ट्रा इज कलेक्टेड फ्रॉम स्टोरेज इज देन सेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग. फॉर दिस पर्पज एयर इज ब्लोन इन टू द रॉ मटीरियल. तो जिसमें अनवांटेड पार्टिकल को मोटे मोटे अगर पत्थर वगैरह होंगे, क्योंकि आपने थोड़ा एक एक जो है वो एक एक किलो डालना है वहाँ पे, टनों के हिसाब से जो है वो रॉ मटीरियल एक ही दफ़ा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है. तो अनवांटेड पार्टिकल जो है वो रिमूव करने के लिए फिर वेट क्लीनिंग, पानी के जरिए से जो है उसकी वॉशिंग की जाती है. वेट क्लीनिंग थर्ड स्टेप में.
तो इस सब्जेक्ट विच नॉट ओनली रिमूव द रिमेनिंग डस्ट पार्टिकल, मिट्टी को निकाल देगा बीच में से, बट सॉल्युबल साल्ट्स वगैरह अगर कोई मौजूद हैं तो वो भी डिजोल्व हो जाएंगे। स्क्रीनिंग, छांटी करना, ठीक है ना जी। तो कोई लोहे का टुकड़ा आ गया, कोई पत्थर या कोई और लकड़ी का बहुत बड़ा पीस है, उसको रॉ मटेरियल से रहा करने के लिए जो है वो डिफरेंट किस्म के जो है वो स्क्रीनिंग में से गुजारा जाता है। जालियां हैं, ट्यूब्स हैं, सेंट्रीफ्यूज हैं, टू रिमूव द ओवर साइज ट्रबल सम, क्योंकि जो बड़े साइज के रॉ मटेरियल के पार्टिकल्स होंगे वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे डाइजेशन में। जितना ज़्यादा वो छोटे छोटे साइज के होंगे सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होगा और उतनी आसानी से वो डाइजेस्ट होंगे और पल्प में तब्दील हो जाएंगे। मैग्नेटिक सेपरेटर्स रिमूव आयरन पीसेस, मैग्नेटिक सेपरेटर में से रॉ मटेरियल को गुजारा जाता है, नीचे मैग्नेट लगा हुआ है, ऊपर से वो गुजरा था जो लोहे की चीज़ें होंगी वो उधर ही रह जाएंगी। तो लाइक नेल्स एंड बोल्ट्स, स्टोन्स एंड अदर ओवरसाइज पार्टिकल्स बाई सेंट्री क्लीनर सेंट्रीफ्यूगल डाल के स्पिन किया जाएगा, क्योंकि ये रॉ मटेरियल जो है ये हल्का होता है और स्टोन्स भारी होते हैं, वो नीचे और ऊपर ऊपर रह जाएगा। द मेजर टाइप्स ऑफ चेस्ट स्क्रीनर, छाननियाँ जो है, एयर वाइब्रेटरी ग्रेविटी एंड सेंट्रीफ्यूगल। तो फिर उसको बाद वेट सिलो ऐसे डब्बों में रखा जाता है जिसमें पानी डाल कर, ड्रमों के अंदर जो है वो बड़े बड़े ड्रम होते हैं उनके अंदर पानी डाल के इसमें रख दिया जाता है। तो फ्रॉम वेट सिलो द मटेरियल इज सेंट टू डाइजेस्टर, इसके पास भेजा जाता है डाइजेस्टर में डाइजेशन के लिए। ये असल इसका पल्पिंग की केमिस्ट्री है जो हमें समझनी है। तो पहले तो डाइजेस्टर किस चीज़ का बना होता है, स्टील का बना हुआ होता है या रॉट आयरन जिसे हम जो है ना वो पक्का लोहा कहते हैं, तो कच्चा पक्का या देगदी लोहा भी उसको कह देते होते हैं, तो उसका बना हुआ होता है। तो तकरीबन मैंने जो देखा था, हमने वहाँ पे जाके जो है ना वो तकरीबन एक फुटबॉल की शक्ल का था, लेकिन आगे किताब में कहा गया है कि ये 10 मीटर लंबा एक सिलेंडर होगा, 10 मीटर 30 फुट बनता है तकरीबन, और इसी तरह से जो है वो 2 मीटर उसका डायमीटर होगा, यानी 6 फुट जो है उसका डायमीटर होगा। तो उसमें जो है क्या किया जाता है, जो रॉ मटेरियल के साथ लिक्विड, जो हमारा कुकिंग लिक्विड है उसको उसके साथ मिक्सअप करके जो है ना वो उसमें एक ऊपर से इंजेक्ट किया जाता है और नीचे से बॉटम से स्टीम, दो स्टीम काम करेगी, एक उसको मॉइस्ट देगी, दूसरा उसको हाई टेम्परेचर देगी, ठीक हो गया ना जी, जिससे जो है वो मटेरियल सॉफ्ट होगा और ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ेगी, टेम्परेचर हाई चाहिए। तो सोडियम सल्फाइड इज बफर्ड हेयर विद सोडियम कार्बोनेट, बफर किया जाता है सोडियम कार्बोनेट के साथ और उसके अलावा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ताकि पीएच जो है वो 7-9 रहे, और उसको घुमाया जाता है 2.5 रेवोल्यूशन पर मिनट, जो है एक मिनट के अंदर जो है वो 2.5 चक्कर उसके मुकम्मल करने हैं। तकरीबन 45 मिनट्स के अंदर अंदर जो है वो डाइजेस्टर अपना रिक्वायर्ड टेम्परेचर अचीव कर लेता है 160-180 डिग्री सेल्सियस, और तकरीबन जो है वो 60, ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया, लिंटर है या राइस का है या वीट का है, तो उसके ऊपर 60-120 मिनट यानी 1-2 घंटों के अंदर अंदर जो है वो डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। वहाँ से बेटा जी फिर डाइजेस्टर में से जो है वो निकाल दिया जाता है, और ब्लोइंग टैंक, तो वो ड्रम सा होता है उसमें नीचे से ना एयर पंप जो है वो गुजारता, ताकि जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो क्या होगा कि दो किस्म के होगा ना, हो सकता है कि पूरा मटेरियल डाइजेस्ट हुआ ना हो और कुछ कुक्ड हो गया हो और कुछ अनकुक्ड रह गया हो, जो कुक्ड हो गया वो डाइजेस्ट हो गया, ठीक हुआ ना जी। द कुक्ड मटेरियल फ्रॉम द डाइजेस्टेड ब्लोन, दोनों की डेंसिटी मुख्तलिफ होगी, इज ब्लोन इनटू ब्लोन टैंक देन पंप टू द सेंट्रीफ्यूगल स्क्रीन फॉर द सेपरेशन ऑफ कुक्ड फ्रॉम अनकुक्ड मटीरियल। अनकुक्ड मटीरियल को उतार लेंगे, उसको दोबारा डाइजेस्टर में डाला जा सकता है। पल्प वॉशिंग, तो द कुक्ड मटीरियल फ्रॉम द ब्लो टैंक इज वॉश थॉरली विद वाटर, उसको पानी में अच्छे तरीके से वॉश किया जाता है यूजिंग 80 मैश सीव, 80 पोर साइट की जाली इस्तेमाल करते हुए टू रिमूव द ब्लैक लिक्वर एंड दैट वुड का ब्लैक कलर का जो कंसनट्रेटेड लिक्विड है सोल्यूशन है उसको रिमूव करने के लिए, दैट वुड कंटेमिनेट, जो कंटेमिनेट हो जाएगा यानी उसको इम्प्योर कर देगा द पल्प ड्यूरिंग सबसिक्वेंट प्रोसेसिंग, अगले स्टेप्स में। तो जितना वो ब्लैक लिक्विड मौजूद होगा ना उतना हमारा लो क्वालिटी का पेपर पल्प से तैयार होगा जो कि ब्रिटल होता है। फिर द पल्प इज वॉश विद रिमूवल ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर टू रिमूव सॉल्युबल लिग्निन एंड कलर्ड कंपाउंड्स, ये भी इसमें रिमूव हो जाते हैं। पल्प वॉशिंग में
लिग्निन इज एन एरोमेटिक, व्हाट इज लिग्निन, इज एन एरोमेटिक पॉलीमर एंड कॉजेस, ये बेसिकली पॉलीसेक्राइड है, पेपर टू बिकम ब्रिटल, इट इज देन थिकेंड एंड फाइनली फिर उसको पानी उसमें से रिमूव किया जाता है ताकि वो गाढ़ा सा हो जाए, फाइनली स्टोर्ड इन हाईली हाई डेंसिटी स्टोरेज टावर जो है, तो उसमें वो जो डेंस लीक होगा वो पल्प वो नीचे बैठ जाएगा और दूसरा ऊपर ज़्यादा पानी रह जाएगा। तो बेटा जी ब्लीचिंग आखिरी हिस्से आठवें पार्ट में ब्लीचिंग, देखें जी पल्प ऑब्टेंड फ्रॉम केमिकल पल्पिंग आर ब्राउन इन कलर, इट इज़ ड्यू एंड सुटेबल फॉर नॉट अनसुटेबल फॉर प्रिंटिंग एंड राइटिंग, तो ब्राउन पेपर पर तो लिखाई अच्छी नहीं है, ठीक हो गया ना जी, तो अगर अच्छी होती तो हमारा व्हाइट बोर्ड भी ब्राउन कलर का होता। तो खैर बेटा जी इसमें हम फिर क्या इस्तेमाल करते हैं, लिग्निन इज एन एरोमेटिक पॉलीमर एंड कॉजेस पेपर टू जो है ये कलर जो है वो किसकी वजह से है, इज मेनली ड्यू टू द रेसिडुअल लिग्निन, जो लिग्निन रह गई थी उसकी वजह से है, तो उस लिग्निन को ख़त्म करने के लिए ब्लीचिंग यूनिट में इसे गुजारा जाता है। तो पाकिस्तान में ब्लीचिंग जो है वो किस तरह की जाती है, क्लोरीन डाइऑक्साइड के साथ, सोडियम हाइपोक्लोराइड, उसके अलावा जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह जो है। तो आफ्टर वाशिंग, ऊपर पल्प वाशिंग सेवन स्टेप में, पल्प इज सेंट टू क्लोरीनेटर वेयर क्लोरीन एट 4 to 5 bar प्रेशर यूनिट है, तो इंजेक्टेड फ्रॉम द क्लोरीन टैंक द क्लोरीन रिएक्ट विद अनब्लीच्ड पल्प एट अबाउट 45 डिग्री सेल्सियस फॉर 45 टू 60 मिनट्स टू गिव द गुड रिजल्ट्स, द रेजिडुअल क्लोरीन इज न्यूट्रलाइज, बीच में जो क्लोरीन रह गई है उसको पानी डाल के न्यूट्रलाइज किया जाता है विच एक्ट एज एंटी क्लोर, तो एंटी क्लोर कौन है, पानी ही है। द करेक्ट डोजेज, कितनी मकदार में क्लोरीन इस्तेमाल करनी है, इज कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ क्लोरीन इज नीडेड तो टू अचीव द रिक्वायर्ड ब्राइटनेस, आफ्टर क्लोरीनेशन पल्प इज वॉच, क्योंकि ज़्यादा क्लोरीन का इस्तेमाल जो है वो सेलुलोज फाइबर को कमज़ोर कर देगा और पेपर जो है वो फिर ज़्यादा इलास्टिक नहीं रहेगा, टेंसाइल क्वालिटी उसकी डैमेज होगी। तो आफ्टर क्लोरीनेशन पल्प इज वॉश विद हॉट वाटर जो है एट 60 डिग्री एंड इज देन सेंट टू द स्टोरेज टैंक, उसको फिर कहाँ भेज दिया जाता है, स्टोरेज टैंक में। तो पल्प इज ड्राइड विद हॉट एयर सप्लाई, हॉट एयर के जरिए से, ताकि जब वो हॉट एयर जो वो ज़्यादा वेपोरेशन करवाएगी। आफ्टर ड्राइंग द पल्प इज रेडी फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, लेकिन पेपर तैयार करने से पहले भी उसकी पल्प की स्टॉक प्रिपरेशन उसको फिर थोड़ा सा तैयार किया जाता है। तो देर आर थ्री मेन इंपॉर्टेंट, फर्स्ट स्टेज इज टू बिफोर डिलीवरिंग टू द पेपर मेकिंग मशीन, द फर्स्ट इज द डिस्पर्शन ऑफ द पल्प एज स्लरी इन वाटर, द सेकंड इज द मैकेनिकल रिफाइनिंग और बीटिंग ऑफ द फाइबर्स टू डिवेलप अप्रोप्रिएट फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज फॉर द प्रोडक्ट बीइंग मेड, एंड थर्ड इज द एडिशन ऑफ केमिकल एडिटर्स। पहले में क्या करना है, पल्प के अंदर पानी डाल के ना जी उसका ज़्यादा से ज़्यादा लेई बना देना है, वो पल्प गाढ़ा हुआ होगा, जैसे चाय के अंदर ना रस डाल देना तो वो बाज़गात उसके अंदर ही हो जाता है, तो उस तरह का वो होता है पल्प, उसको स्लरी में तब्दील करने के लिए उसमें और पानी डाल दिया जाएगा तो उसके अंदर घुल मिल जाएगा, तो वो उस तरह की सिचुएशन बन जाएगी, लेई सी बन जाएगी उसकी। तो फिर सेकंड में जो है वो उसमें उसको ना स्पिन किया जाता है या फिजिकली एंड केमिकली उसकी इस तरह से बीटिंग की जाए कि अब वो दोबारा से एक दूसरे के साथ सेलुलोज फाइबर जो हैं वो एक दूसरे को के साथ मिलना शुरू हो जाएं, ठीक है, टू डेवलप और ऑपरेट फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी प्रोडक्ट बीइंग मेड, और आखिर में जो है वो एडिटिव केमिकल जैसे स्टार्च इस्तेमाल किया जाता है, वही स्टार्च जो लॉन्ड्री में इस्तेमाल किया जाता है वो यहाँ पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एंड रिसाइकल्ड फाइबर्स जो है पुराने अखबार के कापियों कागजों के जो फाइबर्स हैं उनको कट करके जो है वो यहाँ पे मिक्स किया जाता है उनका भी, लेकिन पहले पल्प बना लिया जाता है। तो यहाँ से बड़ा जी फिर जो है क्या कर लिया जाता है, यहाँ से ब्लीचिंग के बाद स्टॉक प्रिपरेशन के बाद जो है ब्लीचिंग से स्टॉक प्रिपरेशन और स्टॉक प्रिपरेशन के बाद जो है वो पल्प यानी स्लरी को किसको दिया जाता है, पेपर मेकिंग मशीन। तो इंशाल्लाह ताला अगला लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा और उसमें हम पेपर मेकिंग मशीन में ये देखेंगे कि पल्प पेपर शीट में कैसे तब्दील होता है। कोई भी सवाल हो पूछें, अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानी पैदा फरमाए, आमीन, शुक्रिया।